जी इब्तिदा हर बिजल के बाबरकत नाम से करीम खान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ नाज़रीन। और आप जानते हैं कि नीलाब और खटर से किताब से माखूज जो डॉक्यूमेंट्री है उसकी किस्तें आप देख रहे हैं, और ये जो तारीख़ के हवाले से हवालजात हैं, जो तहकीक है, इससे हमें एक बात बिल्कुल समझ में आती है कि ये जो दरिया सिंध का किनारा है ये नहायत कदीम तारीख रखता है, और इस हवाले से जो तारीख़ की कुतुब में इस पर काम किया गया है वो आज से पहले काम किया गया था 100 साल या 150 साल पहले, मगर उसके बाद उस तारीख़ को जो है किसी ने नहीं फरका, उसके अंदर इस तरह काम नहीं हो सका जिस तरह करना चाहिए था। हमारे अटक नीलाब से ताल्लुक़ रखने वाले इमरान भाई ने उसके ऊपर काम किया और ऐसा खूब काम किया कि बहुत सारे नए तहकीकात भी उसके अंदर शामिल हुई और बहुत सारी बातें नई अखज़ हो गई उस तारीख़ से। तो आज भी उसी सिलसिले की कड़ी है, हम मौजूद हैं यहाँ इस वक्त कोशान आबादी के पास, जिसे कुशान आबादी कहा जाता है, इसकी तफसील हमें इमरान भी मज़ीद बताएंगे। तो बताता चलूं कि आप जो नीलाब और खटर से किताब से माखूज डॉक्यूमेंट्री है वो आप देख रहे हैं करीम खान ऑफिशियल पर, और अटक डायरी टीवी पर भी आप इसके किस्तें मुतवातर देख रहे हैं। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो करीम खान ऑफिशियल चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ में अटक डायरी टीवी उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि ये जो मुतवातर किस्तवार जो सिलसिला है डॉक्यूमेंट्री का, ये आप तक इसकी जो नोटिफिकेशन है वो पहुंच सके। तो मज़ीद इस पर बात करते हैं, इमरान भी मेरे साथ मौजूद हैं, किताब के राइटर और इस डॉक्यूमेंट्री के गाइडर, तो इनसे बात करते हैं मज़ीद इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम इमरान जी। वालेकुम सलाम। इमरान भाई, इस वक्त जब मौजूद हैं ये कौन सी जगह कहलाती है? यहाँ से जो सिक्के बरामद होते हैं जो कुशान पीरियड के हैं, और इसकी जो मेन निशानी हमें यहाँ से जो मिली है वो 2005-06 में यहाँ इस जगह पे एक प्लेस थी, थोड़ा सा गड़ा सा था, उसके ऊपर एक जो है इंजीर का पौधा था कदीम। तो जब हम छोटे छोटे थे तो यहाँ रवायत थी कि यहाँ पे जो है जी एक सोने की देग दफन है और उसके ऊपर सांप बैठा हुआ है, तो जो भी इसको खोदेगा तो सांप उसको काट लेगा, ठीक है जी। यानी ऐसे कि उसका ऐसे था कि कोई कदीमी टच ज़रूर था उसका। तो हमारे गांव के एक आदमी हैं, आगे हम आपको उनसे भी मिलाएंगे, मास्टर मसूद साहब, तो उन्होंने इस लोकेशन पे जो है वो मुशरफ पीरियड पे जो है एक महकमा ज़रात की तरफ से जो है एक यानी आपाशी के लिए सिस्टम के लिए जो है कुएँ खोदे गए, तो वो एग्जैक्ट उस लोकेशन पे उन्होंने वो कुआं खुदवाया है। हाँ, जहाँ मशहूर था कि जहाँ देख जी जहाँ वो मशहूर था देख, तो जब उन्होंने कुआं खुदवाया है तो वो हमारे इसी पहाड़ के अंदर एक पत्थर पाया जाता है जिसे हम खजूर कहते हैं, जो कि ये पार्क वगैरह में डेकोरेशन के लिए वो पत्थर, उसके अंदर सुराख सुराख होते हैं जी, तो वो जो है उससे यानी बनाया गया था वो कुआं, और उसके अंदर तकरीबन आप कह सकते हैं 2.5 फुट चौड़ा और 1.5 फुट जो है 2.5 फुट चौड़ा और 1.5 फुट लंबा जो है वो मुस्ततील पत्थर की जो है वो जीने बनाए गए थे, यानी वो बिल्कुल इस तरह राउंड उसमें जो है उतरना पड़ता था उन जीनों से। सीढ़ीनुमा आप कहते हैं कि सीढ़ीनुमा रास्ता था, थी राउंड थे इस तरह घूम के जो है ना वो सीढ़ियाँ नीचे जा रही थी, और नीचे उसके चौरस हौज था। तो हमें एक और जो है एक फारसी की किताब है उससे मुझे मिला था कि नीलाब के मकाम से एक बंदे को एक कुएं से अंदर से एक कतबा मिला है। ये कब की बात है जब आप तहकीक कर रहे थे? नहीं, ये जो ब्रिटिश पीरियड की बात है, यानी वो फारसी की किताब में जो है वो मुझे मिले है, वो उसकी रवायत जो मैंने अपनी किताब में दी है, और उस मज़ीद इस किताब में भी उसकी डिटेल आएगी। तो उससे हमें जो है बिल्कुल एग्जैक्ट जो है पता चला है कि कौन बंदा यहाँ पे हुक्मरान था, ठीक है जी, और किस की तरफ से वो था। तो उस पे जो है उसके ऊपर जो तहरीर मौजूद थी वो कहते हैं कि उस मकामी बंदे ने, एक अंग्रेज़ ऑफिसर था सर औरल सैथीन, वो कतबा उसने सर औरल सैथीन को दिया, और सर औरल सैथीन ने वो लाहौर म्यूज़ियम में रखा। आज भी वो जो है वो कतबा आरा के नाम से ARA कतबा आरा, यानी उसका एक कैटलाग नंबर होता है, नाम होता है,
तो आज भी लाहौर म्यूजियम के अंदर कतबा आरा के नाम से मौजूद है। वो इसी मकाम से लेकर गए, इसी मकाम से लेके गए हैं, ठीक है जी। तो उस कतबे के ऊपर जो तहरीर है उसमें लिखा गया है कि जो यहाँ का हुक्मरान है उसका नाम है दशावाहारा, ठीक है जी। ये वो कहते हैं कि ये नायब पिशावरियाँ हैं, यानी जो कनिष्का का जो मरकज था वो जैसे गदारा कहते थे, वो पशपुर या पशकलवती जैसे आप पिशावर कहते हैं ना, वो जगह थी। अल्फाज फारसी के इमरान? नहीं नहीं, ये इनके अपने जो है ना संस्कृत के, जी जी। तो ये जो है वो यानी वो नायब, वो लिखा हुआ है कि वो दशावाहारा वो नायब पिशावरिया था, ठीक है जी। वो उसके अलकाब लिखे हुए हैं जो हुक्मरान था पिशावर का, वो उसका लिखा हुआ है देवा देवा पुत्रा वजह शका। तो ये जो हमें नाम मिलता है वाह शक भी मिलता है, वजह शका भी मिलता है। तो ये जो है यहाँ से जो हमें सिक्के जो मिले हैं इस लोकेशन से, 3 सिक्के सोने के, तो सोने के सिक्के जी, वो मैं आपको उनकी पिक्चर दूंगा, वो भी आप इसके साथ मेंशन करेंगे। तो वो जो है वासुदेव के हैं, ठीक है जी, जिसे वासुदेव भी कहते हैं, वासुदेव भी कहते हैं। तो ये इसी का आप समझ लें कि जो इनका मेन बादशाह गुजरा है कनिष्का, ये इसका पोता पड़पोता था, यानी ये बुद्ध मज़हब से तलक रखते थे। और ये जो वासुदेव के टाइम पे वासुदेव जो है वो हिंदुइज्म की तरफ कन्वर्ट हो गया था। तो यहाँ मैं आपको एक उस जगह पे भी लेके जाऊंगा जहाँ पे आगे बुद्धा के स्टूपा हैं। तो वो जो स्टूपा हैं वो तो यहाँ पे तो पत्थरों के बनाए गए हैं, क्योंकि इनके भी आगे कैटेगरियाँ थी, जैसे अमीर बंदा कोटी महल बनाता है, या जिस तरह आप आजकल कब्रें देख रहे हैं कि गरीब आदमी की जो टेरी होती है वो थोड़ी सी कमज़ोर होती है, जो ताकतवर होता है उसने मार्बल टाइल और इस तरह। तो वो मैं आपको वो स्टूपा दिखाऊंगा, वो जो बुद्धा का कब्रिस्तान है, ठीक है जी। वहाँ से बाकायदा आपके गांव के लोगों ने खुदाई की है, वहाँ से जो है मिट्टी का बर्तन बरामद होता है। वहाँ से भी कुछ सिक्के बरामद हुए हैं या सिर्फ मिट्टी के बर्तन बरामद? वहाँ पे जो बरामद हुए हैं वो मिट्टी के बर्तन हुए हैं, और राख थी उनके अंदर, और उनके अंदर मोती थी, जिसके लिए वो आपके गाँव के लोग खुदाई करते हैं। वो तकरीबन किसी बर्तन के अंदर 25 मोती हैं, किसी के अंदर 30 मोती हैं, ठीक है जी। इस तरह जो है ना वो यानी वो उनका पहनावा था, उनके जेवर थे, वो जो इस्तेमाल करते थे वो उसी के साथ दफन कर देते थे। और ये जो खुदाइयाँ करने वाले हैं वो इसलिए करते हैं कि वो उनको मिल जाते हैं और मार्केट में जा के सेल कर देते हैं। बिल्कुल जी, ये जो सिलसिला ही आगे चलता रहेगा, काफ़ी आबाब, बल्कि हम ये किस्से भी सुना करते थे बचपन में कि जनाब फलां जगह इस तरह कोई खंडरात वगैरह होते थे, तो हम उसके बारे में सुना करते थे कि जनाब इस जगह पे जो है वो किसी ने कहा है एल एलम ने कि जनाब यहाँ पर देग है, यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ है कि उसके ऊपर दौलत के ऊपर सांप बैठा हुआ है, और अगर आप वो जाएंगे तो वो आपको खा जाएगा। और सांप भी कोई आम सांप नहीं, वो अजदहा का नाम देते थे कि जनाब अजदहा इसके ऊपर। तो ये वो सिलसिले थे जहाँ पर ये चीज़ें तारीख से वाबस्ता थी। ये जो रिवायात हैं ये उस दौर से चली आती रही हैं, जब ये चीज़ कोई चीज़ मशहूर करनी थी किस जगह से बचाने के लिए, तो ऐसी कोई अफवाह उड़ा दी जाती थी। इमरान भाई ऐसे कुछ है? जी बिल्कुल इसी तरह है, यानी उसको महफूज रखने के लिए वो उसको जो है उस इलाके में अफवाह फैला दी जाती थी। कोई ऐसी इमारत है तो कहते हैं जी यहाँ पे भूत प्रीत हैं या सहब हैं, तो वो जो आम लोग होते थे वो उनके करीब ही नहीं जाते थे, तो इस पर तहकीक नहीं होती थी। तो बिल्कुल ये जो आबादी है इस पर मौजूद हैं इस वक्त, और यहाँ कुछ आपने विजुअल भी देखे हैं जहाँ जो बकियात यहाँ पर पड़ी हैं इस आबादी के हवाले से। तो ये सिलसिला मजीद आगे से आगे लेकर जाएंगे मजीद। इमरान भाई इस हवाले से कुछ मालूमात हैं? जी वो हमने आपको पहले वो दूसरी आबादी भी दिखाई है, वो जो लोग थे वो इतने स्टेबल नहीं थे, ठीक है जी। लेकिन ये जो लोग हैं ये काफ़ी स्टेबल और महजब लोग थे, जो यहाँ खुदाई से 5 फुट नीचे एक दिन में आया हूँ तो वो कहते हैं जी कि यहाँ पे लोहे का फर्श डला हुआ है। तो कहते हैं कि ये यहाँ करीब तरीन कहीं लोहा है, तो मैंने उनको बताया कि वो सामने जो है वो फायर क्ले मिट्टी है, उसकी काने और उससे जो है लोहा भी बरामद होता है।
जी इससे अंदाजा होता है कि जो आबादी थी ये जरा उस वक्त के तगड़े लोग थे। जी तगड़े लोग थे, यानी अगर आप देखें कि वो उन लोगों को उस वक्त भी ये कंसेप्ट मौजूद था, जिस तरह आज हम चिपस डालते हैं, मार्बल डालते हैं, तो कई लोगों के अभी भी कच्चे मकान हैं। तो ये इससे पोजीशन से समझ आती है कि ये उस वक्त भी स्टेबल लोगों में थे। लोगों में थे बिल्कुल जी। ये सिलसिला आगे मजीद बढ़ाएंगे और आज तक के लिए आपसे इजाज़त लेने का वक्त करीब है। इमरान भाई मजीद आगे इंशाल्लाह इस पर मजीद बात करेंगे, आपके हवाले जी इंशाल्लाह। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने आज साथ दिया। मेहरबानी, मजीद भी आपसे बात इंशाल्लाह। मेहरबानी जी। नाज़रीन, जो सिलसिला है मजीद आगे चलेगा। नीराब और कटहल जो किताब है, इसके हवाले जात जो हैं वो गाहे बगाहे मुख्तलिफ मामलात में हम आपको दिखाते जाएंगे। नहायत कदीम जगह है, तारीख से भरी पड़ी है नीलाब की आबादी। ये नीलाब जो दरिया सिंध के किनारे एक देहात है, सख्त एक शहर हुआ करता था और कई किलोमीटर आगे और उसके पीछे यानी इस दरिया के किनारे बहुत बड़ी एक तारीख पड़ी है। उसका अतीब को तारीख को यकजा किया है इमरान भाई ने नीराब और कटड़ के नाम से किताब में, और मज़ीद आगे भी इस कुतुब पे मज़ीद दो हिस्से आगे काम हो रहा है, वो अनकरीब आप देख सकेंगे। उस पर भी इंशाल्लाह हम जामिया डॉक्यूमेंट्री के ज़रिए एक साथ आप तक पहुँचाएँगे। तो तब तक के लिए अपने मेज़बान करीम खान को दीजिए इजाज़त। ज़िंदगी ने वफा की और सांसों ने साथ दी, तो इंशाल्लाह एक दिन आपसे ज़रूर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।